मॉर्निंग भाई, आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले देखो होता क्या है ये। जैसे मैं तुम्हें यूं कह दूं कि तुम्हारे पास Na2SO4 है, Na2SO4, ठीक है, ये तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया। किसका फॉर्मूला है ये? सोडियम सल्फेट का। तो मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई तुम इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सोडियम बताओ। क्या बताओ? परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो किसके इक्वल होगा बेटा? मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज है तो 100। क्लियर हुआ? जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा मास परसेंटेज ऑफ सल्फर बताओ, तो किसके इक्वल आएगा? मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज है तो 100। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तुम्हें पता चला परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी? तो कैसे निकालते हैं देखो, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं? मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, यस और नो? तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके बेटा, जैसे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन MgSO4, MgSO4 मीन्स बेटा मैग्नीशियम सल्फेट। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबसे पहले तुम मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर मास निकालोगे। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64। तो ये क्या आएगा? 24 प्लस 32 प्लस 64, तो किसके इक्वल आएगा बेटा? 120 ग्राम। अब निकालना क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर एक मैग्नीशियम होगा, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, ये किसके इक्वल आएगा बेटा? मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ MgSO4 इंटू 100। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 24, और मोलर मास ऑफ MgSO4 120 इंटू 100। तो बेटा देखो, 0 से 0, 1 पे 2 पे, तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया? 20%। मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया? 20%। अब क्या निकालेंगे बेटा? परसेंटेज ऑफ सल्फर, क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर किसके इक्वल आएगी हमारे पास? मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ MgSO4। परसेंटेज है तो 100, तो सल्फर का मास कितना है? 32, MgSO4 का 120, 100, ठीक है। 12, 6, 5, 3, 1, 2, ठीक है, 1, 6 बेटा। तो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 80/3। तो सोल्व करेंगे तो 26.67%, ठीक है। फिर हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास
MgSO4, मोलर मास ऑफ MgSO4 इंटू 100। अब बेटा देखो फॉर्मूला क्या था, MgSO4 यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, एक ऑक्सीजन का 16, कितनी ऑक्सीजन 4, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 16 चौके 64 बटे 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 3 पे, ये 1 3 2, तो कितना आएगा बेटा, 32 को 5 से करोगे तो 160 बटे 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 53.33%। तो यहाँ हमने इनकी क्या निकाली, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ओके देखो जैसे मैंने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रोल, इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल मीन्स बेटा CuSO4.5H2O। बेटा ये जो .5H2O है इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बेटा, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है, तो किसके इक्वल आएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वाटर, बाय मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रोल, मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रोल। और बेटा परसेंटेज है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा कितने वाटर है बेटा, 5, एक वाटर में कितना होता है 18, तो क्या लिखोगे 5 × 18 अपॉन मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या था, CuSO4.5H2O। ठीक है, तो यहाँ से इसका मोलर मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो कॉपर का कितना बेटा 63.5, सल्फर 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, एक वाटर का 18, 5 का 90 प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 249.5, तो ये क्या आ गया, मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रोल, कितना लिखोगे 249.5, परसेंटेज है तो 100। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, 90 upon 24.95 into 100। सॉल्व करने के बाद हमारे पास परसेंटेज आएगी 36.07%, कितना आएगा 36.07%। ओके नेक्स्ट, जैसे मैं तुमसे कहूँ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कटायन, परसेंटेज ऑफ कटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट, इन अमोनियम डाइक्रोमेट, हमें कटायन की परसेंटेज निकालनी है। अब अमोनियम डाइक्रोमेट में फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो बेटा अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, डाई मीन्स दो, क्रोमेट मीन्स Cr2O7, टू नेगेटिव। ठीक है, अब इस पे एक चार्ज, इस पे दो, तो इसको क्या कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कटाइन, मीन्स हमें ये कटाइन लेना है, क्या निकालनी है हमें, परसेंटेज ऑफ कटायन, तो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कटायन,
नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कटायन अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 परसेंटेज है तो 100। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले हम इस पूरी स्पीसीज का क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास। क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास। बेटा देखो, नाइट्रोजन का 14 14 प्लस 4 18 और कितने हैं 2, तो क्या आ जाएगा 18 into 2। क्रोमियम का कितना होता है 52, कितने क्रोमियम 2। एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन 7, तो इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा 252। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कटायन, कटायन क्या है 2NH4 पॉजिटिव, क्या है 2NH4 पॉजिटिव। एक का 18 तो दो का कितना हो जाएगा 36, तो क्या लिखेंगे 36/252×100। तो यहाँ से हमारे पास बेटा परसेंटेज ऑफ कटायन आएगी। हाँ देखो, कैंसिल करो, 9 चौक 4 में 36, 4 5 20, 4 6 24, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, अब देखो ये 3 पे जा रहा है, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21, तो कितना आ जाएगा 100/7। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कटाइन हमारे पास आएगा 14.29%। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने कहा ऑन एनालाइजिंग एन इम्प्योर सैंपल ऑफ ऑन एनालाइजिंग एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन वॉज फाउंड टू बी 45.5। कितनी दे रखी है 45.5। What is the percentage of sodium chloride in the sample? ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले तुम सोडियम क्लोराइड है, इसका मोलर मास निकालो। मोलर मास कितना आएगा 58.5, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का 23। अब यहाँ देखो बेटा, तुम कहोगे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन प्योर NaCl, कैसा लिया प्योर NaCl के अंदर परसेंटेज कितनी आएगी बेटा, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इंटू 100। क्लोरीन का मास कितना आएगा 35.5 और NaCl का 58.5×100, तो कितना आ जाएगा 60.6। अब हमें पता है बेटा 60.6 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन, कितने प्रेजेंट है 100 में, तो एक में कितना होगा 100/60.6, निकालना कितने में है 45.5 में, तो मल्टीप्लाई बाय 45.5, तो यहाँ कितना आएगा ये 75%, कितना आएगा 75%। तो कितना परसेंटेज यहाँ पे हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है 75%। थैंक यू।